जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो इस रिपब्लिक डे पे सरकार की तरफ से एक नई पोर्टल जारी हुआ है, जिस पोर्टल से आप लोग अपना एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं रिपब्लिक डे का। तो इस सर्टिफिकेट आपको देखने में भी यूनिक लगेगा, इसको आप सोशल मीडिया वगैरह पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, और इसमें आपको यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट को आपको कैसे बनाना है, इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह का वीडियो बना के लाते रहने के लिए। जैसे कि हम लोग बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कुछ इस तरह का रहेगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे चले आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले बटन जो यहाँ पे शो कर रहा है, इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर नाउ वाले बटन पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सामने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म में आपको फर्स्ट में जो आपका नेम है, जैसा भी आप वहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर नेम आया, उसी तरह का आपको यहाँ पे नेम डाल देना है। सिलेक्ट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ टाइप में आपको एक दो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन मिलता होगा मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा जिस मोबाइल नंबर से आप पहले इसमें अकाउंट नहीं बनाए हैं ये कार्ड, और वही ईमेल आईडी भी आपको इंटर करना है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है, जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है उसको इंटर करने के बाद यहाँ सेकंड में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, और गेट ओटीपी वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का फ्री इंटरफेस आने वाला है। तो इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इंटर ओटीपी वाले कॉलम में आपको यहाँ पे अपना ओटीपी जो अभी आया है आपके मोबाइल पे, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है, और वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। उसको जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओटीपी इंटर कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपका नेम दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको यूनिक नंबर यहाँ पे मिल चुका है। तो इसको आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड बटन दिख रहा है, इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से डाउनलोड अगेन वाले बटन पर क्लिक करके हम जैसे देख सकते हैं यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर डाउनलोड नहीं होता तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस इमेज पर ऐसे टैप किए हुए रहना और कॉपी इमेज वाले बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और कहीं भी जाके इसको व्हाट्सएप में जाके इसको पेस्ट कर देना है। वहाँ पे जाके पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।